आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक कोरमे की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम झटपट बनकर रेडी हो जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ये मैंने 8 अंडे ले लिए हैं और इन्हें बॉईल कर लिया है। और इसमें ऐड कर देंगे हम मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी ऐड करेंगे और बस इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसमें बस अच्छा सा कलर आ जाएगा अंडे में, इसलिए बस ऐड कर रहे हैं इसमें, और देखने में अच्छे लगेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे हम सरसों का। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज, ये मैंने 2 प्याज ली हैं बड़े साइज़ की। और अब प्याज को हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और जब कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी प्याज, तो हम निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो अब हम सारी प्याज को निकाल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम कम कर लेंगे। तो ये तेल मैंने कम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये अंडे, अब इनको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा अंडों का, जब तक हमें फ्राई कर लेना है इन्हें भी। तो बस एक बार मिक्स कर लेते हैं और बस जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं अंडे भी, तो इन्हें निकाल लेते हैं अंडों को। अब जो तेल बचा है हमने गैस बंद कर दिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। गैस बंद कर दिया है, जो तेल गर्म था उसमें हम ऐड कर देंगे ये। तो बस जब फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें ऐड कर देंगे हम दही। ये मैंने 100 ग्राम इसमें दही ऐड कर दी है, फ्रेश दही लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम मिर्च, 1 चम्मच मिर्च ऐड कर दी है, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे हम जीरा का पाउडर। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये मखाने, ये मैंने तले हुए मखानों को ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम 1 मुट्ठी। अब इसमें हमने जो प्याज फ्राई की थी उन्हें पीस लिया है, उन्हें भी ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और गैस अभी ऑन नहीं है, गैस बंद है, तो बस पहले मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस मसाले को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि इसमें अच्छा सा दाना नहीं आ जाता और तली ऊपर नहीं आ जाती, जब तक हमें मसाले को भून लेना है। तो 4 से 5 मिनट हमें मसाले को इसी तरीके से भून लेंगे और ढक देंगे इसे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो 4 से 5 मिनट बाद देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो बस मसाले को इसी तरीके से भून लेंगे, जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम अंडे। और ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत है नहीं अब अंडों को, तो बस एक बार मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और भून लेंगे, ताकि मसाले में अच्छा दाना आ जाए, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, देखिए कितना अच्छा दाना आया है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सूखा हो रहा है मसाला, तो थोड़ी सी ग्रेवी कर रही हूँ मैं, तो इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1/2 गिलास पानी। ग्रेवी इससे थोड़ी सी पतली हो जाएगी, बस ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसे मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट और पका लेंगे, और देखिए तरी अच्छे से आ चुकी है ऊपर, एक कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।